हेलो दोस्तों, कैपेसिटी में आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर नई वीडियो। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला दोस्तों जो मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, जो एक मानेसर में प्लांट है और जो एक गुड़गांव में प्लांट है दोस्तों। तो दोनों प्लांट में दोस्तों जो है CW और TW का दोस्तों भर्ती चल रही है दोस्तों, और फिर से जो है दोस्तों और एक डेट आ चुका है भर्ती का। मैं दोस्तों इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, कल एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं दोस्तों एक डेट बताया था, और फिर से दोस्तों और एक डेट आ चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों मैं आप लोगों को उसी डेट के बारे में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि कब फिर से ज्वाइनिंग है दोस्तों, ताकि दोस्तों आप लोगों को इससे पता चले कि दोस्तों की जो मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग चल रही है। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अक्टूबर महीने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज्वाइनिंग डेट है दोस्तों, और भी वीडियो आने वाला दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमको डेट पता चलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा दोस्तों, और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर इसी टाइप का जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा दोस्तों, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। और एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, फिर से दोस्तों जो है मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दोस्तों मानेसर में और गुड़गांव प्लांट में, दोनों प्लांट में दोस्तों जो है CW का दोस्तों वैकेंसी निकाली है दोस्तों। आप अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं दोस्तों ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक भी मिल जाएगा अप्लाई करने का, जहाँ से जाकर दोस्तों आप अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जाए दोस्तों फटाफट से उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए, और जिन जिन स्टूडेंट आना चाहते हैं मारुति सुजुकी में जॉब करने के लिए, आप उसमें अप्लाई कर दीजिए फटाफट से। जो इसका लास्ट डेट है दोस्तों वो 6 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है, 6 अक्टूबर शाम 6 बजे तक दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे पहले जाकर दोस्तों फटाफट से अप्लाई कर लीजिए। तो चलो दोस्तों मैं फिलहाल अभी इसका डेट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों जो ये डेट है दोस्तों वो 4 अक्टूबर 2022 को दोस्तों फिर से ज्वाइनिंग होने वाला दोस्तों मारुति सुजुकी में दोस्तों। इससे पहले दोस्तों जो डेट मैंने बताया था वो 1 अक्टूबर को बताया था दोस्तों, और इससे पहले दोस्तों जो 29 सितंबर को भी ज्वाइनिंग हो चुका है दोस्तों। तो बहुत सारी अभी ज्वाइनिंग चल रही है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों को डेट बता देते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को डेट तो पता चले गया दोस्तों। तो दोस्तों ज्वाइनिंग में जाने से पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बता दोस्तों, कुछ पॉइंट आप लोगों को बता देता है दोस्तों, जो पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट करके रखे दोस्तों। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही काम में आने वाला आप लोगों का। जो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ, आपका अगर दोस्तों डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस मैच है दोस्तों, मान के चलिए आपका आधार कार्ड में, पैन कार्ड में या सर्टिफिकेट में कुछ अलग नाम हो गया, या दोस्तों कुछ आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, या दूसरा कुछ भी हो सकता है दोस्तों, एड्रेस हो सकता है, अगर कुछ भी दोस्तों अगर गलत है दोस्तों, आपका जो एक स्पेलिंग भी अगर गलत होगा दोस्तों तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। तो ये दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आप सारे डॉक्यूमेंट सुधार के रखिए, सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिए कि आपका सारे डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है दोस्तों तो आप सुधार लीजिएगा, उसके बाद ही आइएगा। ये होगा पहला पॉइंट दोस्तों। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों तो बहुत ही बड़ी पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो स्टूडेंट दोस्तों कलर ब्लाइंड है दोस्तों, उनको यहाँ पे आना नहीं है। कलर ब्लाइंड का मतलब होता है दोस्तों आपकी आँखों में अगर कम दिखाई देता होगा दोस्तों, तो आपको इसमें नहीं आना है। साफ साफ आपको मना कर देता हूँ मैं दोस्तों। और दोस्तों फॉर्म अप्लाई से पहले भी ये चीज़ लिखा हुआ रहता है दोस्तों नोटिफिकेशन पे कि आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर कलर ब्लाइंड है तो, क्योंकि दोस्तों आप सोचते हैं कि मेरा तो एग्ज़ाम भी हो गया, इंटरव्यू हो गया, मुझे आर्टिफिशियल टेस्ट के लिए भी बुलाया गया ज्वाइनिंग के लिए, तो फिर दोस्तों वो सब सारा कुछ आपका हो जाएगा, आर्टिफिशियल टेस्ट भी हो जाएगा। लेकिन जब दोस्तों आपका यहाँ पर मेडिकल होगा, कंपनी आपको लाया जाएगा मेडिकल करने के लिए, उस टाइम दोस्तों आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मिल चुका हूँ दोस्तों, जो उनके साथ ऐसा हो चुका है, उन लोग सोचते हैं कि मेरा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों नहीं होगा। हाँ, आप अगर चश्मा लगाए हैं, आप अगर अच्छे दिखाई देता है आपको, तो फिर आपको ले लिया जाएगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। और जो दोस्तों तीसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, वो तीसरा पॉइंट भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो ये पॉइंट है दोस्तों, वो आपका जो है शरीर में कहीं भी अगर हड्डी वगैरह कोई भी अगर फ्रैक्चर है दोस्तों, तो दोस्तों आपको इसमें नहीं लिया जाएगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही दोस्तों आप आइएगा। तो मैं दोस्तों जो 3 पॉइंट बताया, ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप आइए मारुति सुजुकी में, आपका 100% ज्वाइनिंग हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छा लगा दोस्तों, तो अपने दोस्तों पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चले जो मारुति सुजुकी में जाने के लिए आने वाले हैं दोस्तों, या जो आगे चल के आने वाले हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पर। और दोस्तों फिर भी आप लोगों को अगर कुछ डाउट रहता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहाँ पे जाकर दोस्तों आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा दोस्तों, मैं डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू जय दोस्तों।